महागाड़ी पार्टियों की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र बंद की आवाज़ दी है। महाराष्ट्र बंद की आवाज़ देने का कारण, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, किसानों का आंदोलन हो रहा था, भारत सरकार के मुखिया गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, अपनी गाड़ी ले जाके उनको कुचल डाला, उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायर फिरा। उसके बावजूद भी ये मोदी सरकार और योगी सरकार उनको अरेस्ट नहीं कर रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमुटो लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूछा कि आपने FIR क्या की है, आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया है, उसके बाद में आज उसको अरेस्ट किया है। मेरी मोदी सरकार से मांग है, जिला कांग्रेस कमेटी कल्याण और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल्याण से मोदी सरकार से मांग है कि जो गृह राज्य मंत्री है उनको तुरंत हटाया जाए। उनका बेटा आरोपी है, क्योंकि IPS अधिकारी जब इंक्वायरी के लिए जाते हैं और हमारा सर्कल इंस्पेक्टर उनकी इंक्वायरी करता है तो पहले अजय मिश्रा जी को सलाम करना पड़ेगा, सैल्यूट मारना पड़ेगा, और इंक्वायरी करके निकलेगा तभी भी सैल्यूट मारना पड़ेगा। इससे हमारी इंक्वायरी प्रभावित होगी। जिन किसानों ने इस देश को हरित क्रांति दी, जो आज लगभग एक साल से लड़ रहे हैं, मोदी जी को और योगी जी को टाइम नहीं है कि किसानों से बात करें, वो अमेरिका जा रहे हैं, वो UP में प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारे खट्टर बोलते हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के लाठी उठाओ और इनको भगाओ। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म, सेम कि जिस किसान ने इस हरित क्रांति दी, जिस किसान ने इस कोरोना के अंदर हमारी GDP पॉजिटिव रखी, और उस किसान के बारे में ऐसी बात करते हैं तो हमारी राष्ट्रीय नेता
प्रियंका गांधी जी उधर आंदोलन कर रही है, पूरी महाराष्ट्र की कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी प्रियंका जी के साथ है और हम इस आंदोलन को सक्सेस कराएंगे और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लिए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे।